कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी और पीएम मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने शेर भी पढ़ा कि अय काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजर ने रहबर के इशारे पर। ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रैबर के इशारे पर। रैबर कौन? मोदी जी, उन्होंने लूटा, उनको इशारा किया गरीबों को लूटो लूटो लूटो, फाइनेंस डिपार्टमेंट टैक्स डाल के लूटते 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 गई। अब लोग इतने गरीब बने, अब सिर्फ उनके शरीर से खून निकलना बाकी है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन एक काम भी उन्होंने नहीं किया। मैं थोड़े से गिनता हूं, क्योंकि जहां भी अपने नड्डा साहब जाते हैं, जहां भी मोदी साहब जाते हैं, आजकल हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी जरा बोलने लगे हैं, पहले पीछे थे, जरा आगे वो साथ साथ में जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहा था या नहीं? आपको मिले होंगे 2 करोड़, इसलिए कमजोर हो। नहीं मिले? अरे, एक देश का प्राइम मिनिस्टर, 140 करोड़ का नेता, वो कैसा झूठ बोलता है? आप लोग झूठ बोल रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां लेके नहीं दिया बोल के बोल रहे हैं, ये झूठ है। पाप बिचारा, उन्होंने तो मोदी जी तो सबको नौकरियां देता हूं बोल के 2 करोड़ बोला, वो कैसा झूठ बोलता है? आप में कुछ गलती होंगे, आप देखो कहीं कहीं अगर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स गिरे हैं तो निकाल के देखो, क्या एड्रेस गलत है क्या, देखो। और 15 लाख रुपए हर एक के घर को देने का उन्होंने वादा किया या नहीं किया? मिला? फिर कौन झूठ है? क्या मोदी झूठ है क्या आप झूठ है? क्योंकि ये तो उन्होंने बोले सो है, हम कोई नहीं बोले। तो मैं पूछता हूं, 15 लाख भी किधर गए? फिर किसानों की आमदनी 2 गुनी, वो तो गया ही चले गए। नोटबंदी से मैं भ्रष्टाचार निकालता हूं, टेररिज्म खत्म करता हूं और देश को खुशहाली की तरफ ले जाता हूं, उन्होंने कहा। अब नोटबंदी होने के बाद आप सच सच बोलिए, भ्रष्टाचार मिट गया? और जो उन्होंने टेररिज्म की बात की थी, क्या कश्मीर में टेररिज्म बंद हुआ? क्या बॉर्डर पे बंद हुआ? नहीं। तो किसने झूठ बोला? मोदी ने बोला। और माताओं बहनों, महंगाई से छुटकारा तो हमको पाना है, हम राज्य में जा जा है हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हों उसके बारे में कभी सोचते नहीं। टोमेटो की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, प्याज की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, दाल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं, तेल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं, सिर्फ वो यही सोचते हैं आगे के चुनाव कैसा। माह रबीउल अव्वल के मौके पर उमराह करने का सुनहरा मौका। मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से सितंबर और अक्टूबर के महीने में होगी काफिलों की रवानगी। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई, मक्का मुकरमा में 300 मीटर और मदीने शरीफ में 100 मीटर की दूरी पर स्टार होटल में ख्याम, 3 वक्त हैदराबाद का खाना और लॉन्ड्री की भी सहूलत, मुअल्लिम की रहनुमाई में उमरा की सआदत और तमाम मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें। माह रबीउल अव्वल के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में क़याम का सुनहरा मौका। बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स, काकाजी टावर्स,
तैबा मार्केट नियर ओल्ड चार मीनार बस डिपो हैदराबाद।